क्या आप भी ऐसे शानदार मसल्स बनाना चाहते हैं? क्या आप जब किसी ऐसे ही मसल मैन को देखते हैं तो आपके मन में यह ख्याल आता है कि आप भी बस जल्दी से जिम ज्वाइन करके या एक्सरसाइज करके ऐसे ही फिजिक पालें? गाइस, अगर आपके मन में भी ऐसी भावना है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको बताएगा कि एक बॉडी बिल्डर या केवल जिम जाकर अपने बॉडी को बनाने में लगे रहने वाले लोगों का मेंटल हेल्थ कैसा होता है। अगर आपके पास इस तरह का शरीर नहीं है तो क्या आप बेकार हो? जिम जाना या एक्सरसाइज करना एक हेल्दी रूटीन है। इससे शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और बॉडी हेल्दी रहता है, इंक्लूडिंग योर ब्रेन आल्सो। पर जिम के लिए बुरी तरीके से एडिक्ट हो जाना, सिक्स पैक एब्स बनाने के बारे में ही सोचते रहना, ये बात कहां तक सही है? आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े मसल्स वाले बॉडी बिल्डर्स का दिमाग एक खाली डिब्बे की तरह ही होता है। और ये कोई मिथ नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। गाइस, जरा आप अपने आसपास के लोगों को देखो। आप अपने पास जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति देखते होंगे वो अधिकतम स्किनी होंगे। वो बड़ी बड़ी मसल बनाने में ज्यादा ध्यान नहीं देते होंगे। वही केवल जिम जाकर बड़ी बड़ी मसल बनाने वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो आपको साइंटिस्ट नहीं दिखेंगे, वो आपको किसी बड़े ऑफिसर लेवल पर नहीं दिखेंगे। पर क्यों? क्या है इसके पीछे का कारण? क्या अगर आप जिम जाकर अपने बॉडी को हेल्दी रख पा रहे हो तो क्या इसका मतलब यह है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते? जैसा कि आप जानते होंगे कि आप उस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते जाते हैं जिस तरफ हम ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के हर एक बड़े साइकोलॉजिस्ट का यही कहना है कि जिस चीज की तरफ हम अपना फोकस बढ़ाते जाते हैं वो चीज उतनी ही ज्यादा बड़ी होती जाती है। अगर आप कोई चीज पाना चाहते हो तो आप बस उस चीज की तरफ अपना फोकस बढ़ा दीजिए और प्रयास करना शुरू कर दीजिए, आप वो चीज पा ही जाओगे। एक बॉडी बिल्डर या अपने फिजिक को लेकर ऑब्सेस्ड व्यक्ति का दिमाग अपने बॉडी को बनाने की तरफ ज्यादा लगा रहता है। वो अपनी अधिकतम एनर्जी अपने शरीर को बनाने में खर्च करता है। नतीजतन उसका शरीर तो एक बड़ा सुडौल और मोटी मोटी मसल्स बन जाती हैं, पर उसके ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए थी, जो अभ्यास चाहिए था, वो टाइम और एनर्जी सामने वाले ने अपने ब्रेन को दिया ही नहीं। आपको ये बात पता होगी कि हमारा दिमाग हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जिसे काम करने में हमारे शरीर में लगने वाली पूरी एनर्जी का 20% एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में गहन चिंतन करता है या किसी चीज के बारे में गहराई से सोचता है तो वो अपने शरीर का बहुत सारा एनर्जी खर्च करता है। अब ऐसे में जब कोई व्यक्ति अपनी सारी एनर्जी केवल जिम जाकर ही खर्च करेगा तो वो अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम कब करेगा? वही जो व्यक्ति ज्यादा सोचते हैं, गहन चिंतन करते हैं, आप पाते होंगे वो जनरली थिन बॉडी वाले होते हैं, क्योंकि वो अपनी अधिकतम एनर्जी सोचने समझने में ही खर्च करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको जिम जाना ही छोड़ देना चाहिए? क्या आपको सिर्फ दिमाग की वर्जिश ही करनी चाहिए? वेल, आपको अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना है ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, जिससे आपके दिमाग में ब्लड का फ्लो ज्यादा हो सके, ना कि बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना है। और अपने दिमाग के एक्सरसाइज के लिए आपको डेली कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया देखना है। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाएगी, आपके पास नया नया इन्फॉर्मेशन आता जाएगा और इस तरह आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा और आप इंटेलिजेंट भी बने रहोगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे सजेशन को पसंद किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं इस वीडियो के लिए 1000 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। और नीचे कमेंट करो जो भी आपको इस वीडियो के विषय में कहना है।